बच्चों का मन बहलाने वाला खिलौना क्या किसी देश की पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन सकता है? जी हाँ, ऐसा है, और वो भी चीन के साथ। चीन में आजकल एक खिलौने का जादू बच्चों के सिर चढ़कर बोल रहा है। ये खिलौना एक उंगली जितना बड़ा धनुष है जो आइसक्रीम स्टिक से बना हुआ है, लेकिन बच्चों के इस खिलौने ने चीन के पुलिस के नाक में दम कर रखा है। हद तो ये हो गई कि चीन के चेकडू, कुनमिंग और हार्बिन जैसे शहरों में इस खिलौने को पुलिस ने बैन तक कर दिया है। इस खिलौने के लिए पुलिस दुकानों पर छापे मार रही है, लेकिन इस खिलौने की बच्चों में जबरदस्त मांग है और इसकी कीमत केवल 5 से 7 रुपए है। ये खिलौना देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन ये इतना असरदार है कि दांत कुरेदने वाली टूथपिक को तीर बनाकर चलाया जाए तो मोटे गत्ते में छेद हो सकता है, और अगर सुई लगाकर चलाई जाए तो कोल्ड ड्रिंक की कैन भी इसके आगे कुछ नहीं है। तो ऐसे में परिजनों को चिंता ये है कि कहीं इस खिलौने से बच्चों को चोट न लग जाए, जिसके बचाव के लिए पुलिस इस खिलौने को बच्चों से दूर रखने की भरपूर कोशिश कर रही है। NMS न्यूज़ की रिपोर्ट।